नाजरीन और सामी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन है। मेरी मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल NMGA प्रेपरेशन सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी इस वीडियो के आगाज में कहूंगा कि एक तरक्की याफ्ता कौम की निशानी ये नहीं होती कि वहां के गरीब लोग भी कारों के जरिए सफर करते हैं, बल्कि तरक्की याफ्ता कौम की निशानी ये होती है कि वहां के अमीर लोग भी अवामी ट्रांसपोर्ट यानी बसों और ट्रेनों के जरिए सफर करना पसंद करते हैं। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह फरवरी 2014 में हुआ। ये बस सर्विस तुर्की के शहर इस्तांबुल की मेट्रो बस सर्विस से मुतासर होकर बनाई गई थी। आज तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिर रोजाना इस बस सर्विस से मुस्तवीज होते हैं। इस बस सर्विस की लंबाई शाहदरा से गच्चू मत्ता के दरमियान 27 किलोमीटर है और हर किलोमीटर पर एक स्टॉप है। मेट्रो का लफ्ज मेट्रोपोलिस से निकला है, जिसका मतलब एक बड़ा शहर होता है। लाहौर मेट्रो बस सर्विस के बाद अब लाहौर में मेट्रो ट्रेन सर्विस यानी ऑरेंज लाइन सर्विस भी शुरू हो गई है, जिसका इफ्तिताह 25 अक्टूबर सन 2020 को पंजाब के वजीर आला और मुस्लिम लीग नवाज क्यादत ने दो अलग अलग तकरीबात में किया है। ये पाकिस्तान की कराची सर्कुलर रेलवे के बाद पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन सर्विस को सन 1969 में शुरू किया गया था और ये सन 1999 में बंद कर दी गई। ऑरेंज लाइन सर्विस की लंबाई भी तकरीबन 27 किलोमीटर है और ये अली टाउन से डेरा गोजरा तक है। इससे भी तकरीबन 2.5 लाख मुसाफिर रोजाना मुस्तफीज होंगे और ये सर्विस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक का एक हिस्सा है। लाहौर मेट्रो ट्रेन का कलर ऑरेंज इसलिए रखा गया है क्योंकि फिजिक्स के असूलों के मुताबिक ऑरेंज कलर दूर से ही नजर आ जाता है। ऑरेंज ट्रेन की वजह से आलूदगी कम होगी, टाइम की बचत होगी और ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे। लेकिन गवर्नमेंट को 5.62 अरब की इमदाद या सब्सिडी देनी पड़ेगी। अपनी वीडियो के इख्तिताम पर मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर करके माशी तरक्की को फरोग दे सकती है, लोगों की जिंदगियों को महफूज बना सकती है और मकामी तबकात की जिंदगी को भी बेहतर कर सकती है। खुदा हाफिज़।